सनीचरी मस्जिद के हाल में सनीचरी मस्जिद कमेटी और जिला प्रशासन के सहयोग से फ्री कोविड वैक्सीन कैंप का आयोजन बुधवार से शुरू किया गया है, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टीकाकरण करवाया। टीकाकरण के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा वैक्सीन लगवाने आए लोगों का रजिस्ट्रेशन करने में बड़ी चूक सामने आई है। लोगों को वैक्सीन तो लगाई गई कोविड शील्ड की, मगर उनके सर्टिफिकेट पर कोवैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आ गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लोगों को वैक्सीन तो लगाई गई कोविड शील्ड की, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कोवैक्सीन का। अब टीका लगवाने आए लोग दूसरी डोज को लेकर असमंजस में हैं। वहीं प्रशासन ने इस गलती को सुधरवाने की बात मस्जिद कमेटी से ही कही है। प्रत्येक धर्म और समाज के लोग अब कोरोना से जंग का एकमात्र हथियार वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। इसी तारतम्य में शनिचरी क्षेत्र की मस्जिद परिसर में वैक्सीन सेंटर बनाया गया था, ताकि निकटवर्ती क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा सकें। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपने कागजात यहां ड्यूटी पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर को दिए। इसके उपरांत उन्हें वैक्सीन लगाई गई, मगर कुछ ही देर बाद जब लोगों ने अपने मोबाइल पर सर्टिफिकेट डाउनलोड किए, तो उन सर्टिफिकेट में उनका रजिस्ट्रेशन कोवैक्सीन डोज में होना पाया, जबकि उन्हें कोविड शील्ड वैक्सीन लगाई गई थी। जब लोगों ने यह बात मस्जिद कमेटी के सदस्यों को बताई, तो कमेटी ने इस संबंध में जिला प्रशासन को अवगत कराया। प्रशासन ने इस गलती को जल्द सुधरवाने का आश्वासन दिया है। अब यहां सवाल यह उठता है कि लगभग 40 लोगों के वैक्सीनेशन के बाद यह गलती सामने आई है। इनमें कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। यदि वह दूसरा डोज लगवाने कहीं और जाएंगे, तो उन्हें वही डोज लगेगा जो उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर दिखेगा। फिलहाल इस बात पर प्रशासन ने अभी मीडिया को कोई सफाई नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24। भाई, जब कोरोना को लेकर मस्जिदों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया, क्या मानते हैं? सर, असल में हम चाहते हैं कि हम सरकार का पूरा सहयोग करें, खासतौर से इस महामारी के लड़ने में, इस महामारी को दूर करने में। अभी हमारा जो सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन, हम उसको जो है आगे बढ़ाएं, उसको जो है सहयोग दें। और इसी सहयोग को लेकर अभी जो है जमीयत उलमा ने शहर की तमाम टीमों को मिलाकर, उसमें टीम BBM है, मस्जिद कमेटियाँ हैं, सबको मिलाकर जो एक मुहिम शुरू करी कि मस्जिदों के जो हॉल हैं वहाँ पर हम इसका इंतज़ाम करें। परसों हमने शुक्रवारी मस्जिद में भी इसको लगाया था, आज जो है सनीचरी मस्जिद में लगाया, आगे भी बड़ी तकिया मस्जिद से भी हमारे पास ऑर्डर है, शुक्रवारी से एक दिन का और ऑर्डर है, मोमिनपुरा कसाई मंडी भी हम चाहते हैं। लेकिन सर, प्रॉब्लम इतनी हो रही है कि ये पूरा फेलियर साबित हो रहा है। अब आज का मसला ये हुआ कि हमारी पहले से डिमांड थी लोगों की कि कोविशील्ड वो लगाना चाहते हैं। हमने लोगों से बात करी पर्सनली, वो कह रहे थे कोविशील्ड होगी तो हम लगवा लेंगे। हमने निगम आयुक्त साहब से कहा था कि सर हमें कोविशील्ड भी भेज देना, लेकिन यहाँ एक तो कोविशील्ड आई नहीं, अमला आया 11 बजे, 10 बजे का टाइम था, हमने उसको एडजस्ट किया। फिर उसके बाद जो वैक्सीन आई तो वो कोविशील्ड की जगह कोविन आ गई, लोगों ने लगाने से मना कर दिया। हमने मजबूरी में लोगों को समझाया कि आ रही है दूसरी, फिर आई तो सिर्फ 50 डोज आए, हमने बाकियों को मना करा, उस पर लोग बिफर गए कि अब हम नहीं लगवाएंगे। हमने फिर उनको समझाया, सर को बात करी, कहने लगे हम 100 और भेज रहे, 100 की जगह सिर्फ 50 भेजे, उसमें भी एक बोतल खाली, यानी सिर्फ 40 आए। फिर उसको भी हमने एडजस्ट किया कि भाई जितने आ गए उतने लगवा लो, फिर हमने उसको लगवाना शुरू किया। अब यहाँ वैक्सीन लग रही कोविड शील्ड की और सर्टिफिकेट मिल रहा है कोविन का, जो वेरीफाई वाला लड़का है उसने बहुत सारी जगह गड़बड़ कर दी। हम उसको भी नहीं कह रहे भाई ठीक है गलत कर दिया या तुमने जानबूझ के किया, हो जाता है, एक साइड नहीं खुली, कोविन वाली खुल गई, उसने जल्दी के चक्कर में उसमें कर दिया, हमारा भी ये है। लेकिन लोगों का भी, हमारा भी, कि भाई जिनको कोविड शील्ड की वैक्सीन लगी है उनको जो सर्टिफिकेट मिले वो कोविड शील्ड का मिले, और जिनके सर्टिफिकेट पे कोविन लिख कर आ रहा उसको चेंज किया जाए, वरना नेक्स्ट जो डोज लगेगा अब आप बताएं कि उसको क्या लगाना पड़ेगा। उसने लगवाई कोविड शील्ड है और सर्टिफिकेट में कोविन लिखा हुआ है, तो उसके लिए तो परेशानी हो जाएगी। इसके लिए कहीं शिकायत की? तो हमने ऊपर बात करी है, ऊपर के अधिकारियों का भी, जो कोविड अधिकारी के हेड हैं उनका भी फ़ोन आया, डॉक्टर नितिन है उनका भी फ़ोन आया, उनको से भी बात करी, तो उन्होंने यही कहा है कि हम उसको जो है दोबारा से रिफ्रेश करवा दे रहे हैं। हमारी ये डिमांड है कि भाई जिसको कोविड शील्ड लगी है उसके सर्टिफिकेट पर वो लिख जाए, ताकि दूसरे जो डोज लगे उसमें उसके लिए सहूलत रहे। ये हमारी डिमांड है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो है भेजें सारी सरकारों को, सभी जगह पर, सभी संस्थानों पर इसका ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि जल्दी के चक्कर में जो है कहीं दूसरे पे एक्सेप्ट कर ले और दूसरे पे लॉगिन करके उसको वेरीफाई कर दें, तो ये फिर परेशानी हो जाएगी लोगों को।